गुड इवनिंग गाइस, मैं हूँ दीक्षा मौर्य फ्रॉम आईटी एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड WWW की। उससे पहले जान लेते हैं गाइस कि WWW का फुल फॉर्म क्या होता है। तो गाइस, वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म होता है गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इट यूजेस ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। गाइस, ये TCP/IP का उपयोग करता है, जबकि ये इट यूजेस हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये HTTP का प्रयोग करता है। इंटरनेट इज अ मैसिव नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क। गाइस, इंटरनेट हमारा नेटवर्कों का एक जाल होता है, जबकि WWW इज अ सिंपली अ वेव, ये एक वेव होता है। नो सच क्रिएटर। गाइस, इसका कोई क्रिएटर नहीं होता। इट वॉज क्रिएटेड बाई टिम बर्नर्ली 1992। गाइस, इसे टिम बर्नर्ली ने बनाया था 1992 में। इट कनेक्ट्स मिलियन ऑफ कंप्यूटर्स टुगेदर ग्लोबली। गाइस, मिलियन ऑफ कंप्यूटर को एक साथ जोड़ा जा सकता है। इट इज़ अ वे ऑफ एक्सेसिंग इन्फॉर्मेशन ओवर द मीडिया ऑफ इंटरनेट। गाइस, एक तरीका होता है इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने का इंटरनेट पर। सेट ऑफ हार्डवेयर। गाइस, ये हार्डवेयर का समूह होता है। सेट ऑफ सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर का समूह होता है। नेम ऑफ फर्स्ट वर्जन ऑफ इंटरनेट इज आर्पानेट। गाइस, फर्स्ट वर्जन का नाम इंटरनेट के आर्पानेट था, जिसका गाइस फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। नेम ऑफ फर्स्ट वर्जन ऑफ WWW इज NSFNet। NSF का फुल फॉर्म होता है गाइस नेशनल साइंस फाउंडेशन। गवर्न्ड बाय IP, इसे IP के द्वारा गवर्न किया जाता है, जबकि इसे गवर्न्ड बाय HTTP, HTTP के द्वारा गवर्न किया जाता है। इन्फॉर्मेशन ट्रेवल ओवर द इंटरनेट। गाइस, इंटरनेट पर हमारी इन्फॉर्मेशन ट्रेवल करती है यूजिंग अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज। एक लैंग्वेज को यूज करती है जो नोन एज प्रोटोकॉल, जिसे हम प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। द वेव यूजेज द HTTP प्रोटोकॉल। वेब गाइस हमारा HTTP प्रोटोकॉल को यूज करता है। ओनली वन लैंग्वेज स्पोकन ओवर द इंटरनेट टू ट्रांसमिट डाटा। डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए केवल इकलौती लैंग्वेज ये है जो बोली जाती है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।